हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी के दीदी ओ दीदी पर महुआ मोइत्रा का पलटवार, बोली मोदी गो मोदी। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान, आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सब रहेगा बंद। भारत अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगा, घरेलू टीकाकरण पर फोकस करेगा। लॉकडाउन, मध्य प्रदेश के इन जिलों में पाबंदियां लागू, जाने क्या क्या रहेगा बंद। महज 3 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार, बिक्री में ट्रेस्टा को पछाड़ा, दुनिया में नंबर 1 पर कब्जा। LPG गैस सिलेंडर 819 रुपीस वाला गैस सिलेंडर मिल रहा है 119 रुपीस में, ऐसे उठाए ऑफर का लाभ। नोएडा से 3 अप्रैल तक रात दिन 15 शहरों में दौड़ेगी रोडवेज की बसें। यूजर्स को राहत, व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी पर लगाई जा सकती है रोक। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड्स छू रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 53,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,17,87,534 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,12,31,650 लोगों की रिकवरी हो चुकी है, जबकि इस समय 3,95,192 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,60,692 हो चुकी है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है। कई राज्यों में हालत भयावह हो गई है, एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। राज्य में 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में आगे आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमाघर बंद रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले 3 जिलों यानी कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में संडे लॉकडाउन लगाया था, जिसे बढ़ाकर अब 7 जिलों में लागू कर दिया गया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों से चिंतित मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन जिले में भी संडे लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जबकि इसकी शुरुआत भोपाल, इंदौर और जबलपुर से हुई थी। लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमा घर बंद रहेंगे। इसके साथ ही कई अन्य पाबंदियां भी लागू की गई है। जिन 7 शहरों में रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी लगी है उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम शामिल है। इन जिलों में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन टेकअवेज और होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। जिन जिलों में 20 से अधिक कोरोना केस होंगे वहां शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू करने का फैसला लेगा। बंगाल में पहले चरण का मतदान बस कुछ ही दिन दूर है। बंगाल में भाजपा और TMC दोनों ही अपने मिशन के लिए जोरदार चुनाव प्रचार में जुटी है। बुधवार को बंगाल के कांधी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। PM मोदी ने मंच से तंज भरे लहजे में दीदी को पुकारा। उन्होंने कहा था, जब जरूरत होती है तब दीदी दिखती नहीं, जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार दुआरे दुआरे, यही इनका खेला है, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी। बंगाल का बच्चा बच्चा ये खेला समझ गया है। PM मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, इस बार बंगाल गो मोदी करेगा।
भारत में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों में बीच बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगा। सूत्रों के हवालों से राइटर्स ने बताया कि घरेलू टीकाकरण पर फोकस करने के लिए ये फैसला किया गया है। देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से कर रही है। मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वैक्सीन के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई, लेकिन दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई घरेलू सप्लाई के आकलन के बाद ही की जाएगी। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी कि 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब ये अंतर 6 से 8 हफ्ते यानी कि 42 से 56 डेज का हो चुका है। केंद्र द्वारा बीते साल पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरनारत किसान यूनियनों के बीच एक मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के नागरिकों से 26 मार्च के भारत बंद को पूरी तरीके से सफल बनाने की अपील की है। किसान लगभग 4 महीनों से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक SKM ने 26 मार्च को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान पूरे देश में सभी सड़क और रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, हम देश के लोगों से इस भारत बंद को सफल बनाने और उनकी अन्नदाता का सम्मान करने की अपील करते हैं। कानूनों के खिलाफ हमारा विरोध 4 महीने पूरे होने पर हम 26 मार्च को पूर्ण भारत बंद रखेंगे। होली के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए रोडवेज के नोएडा डिपो ने भी खास तैयारियां की है। त्यौहार के मौके पर यात्रियों को घर ले जाने और बाद में वापस लौटने तक नोएडा डिपो की बसें रात दिन विभिन्न रूट पर चलती रहेंगी। इसके लिए डिपो की ओर से खास तैयारियां की गई है। नोएडा डिपो के ARM हाकिम सिंह की माने तो होली के लिए 15 ऐसे रूट चुने गए हैं जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। इसमें पास के 10 रूट हैं। इनमें एटा, कांगसज, आगरा, मेरठ, मथुरा, बंदायू, नाबियाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर और बरेली शामिल है। वहीं 5 लंबे रूट यानी कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, बांदा, शाहजहांपुर को प्लान कर रहे हैं। वहीं 5 लंबे रूट यानी कि लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, बांदा, शाहजहांपुर को शामिल किया गया है। इन रूटों पर रात दिन बसें चलेंगी, लेकिन वहां जाने के लिए यात्रियों की भीड़ खड़ी है, तो उसके लिए तत्काल बस तैयार कर यात्रियों को रवाना किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों का जिक्र होने पर पहला नाम टेस्ला कंपनी का आता है। दुनिया भर में सबसे टेस्ला के इलेक्ट्रिक कारें मशहूर है, लेकिन अब चीन की एक कंपनी छोटी इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में टेस्ला को कड़ी चुनौती दे रही है। चीन की वाहन निर्माता कंपनी SAIC की छोटी इलेक्ट्रिक कार हांगकांग के पिछले कुछ महीनों से टेस्ला को कड़ी टक्कर दी है। हांगकांग मिनी ईवी जनवरी और फरवरी 2021 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। बिक्री के आंकड़ों को देखें तो इसने टेस्ला मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान को भी पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग मिनी कार अब दुनिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है। फरवरी में हांगकांग के कुल 20,000 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि टेस्ला मॉडल 3 के महज 13,700 यूनिट की बिक्री हुई। इस समय घरेलू रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 2021 में अब तक 225 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ चुकी है। दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर का दाम 819 रुपीस पहुंच चुके हैं। लेकिन पेटीएम आपके लिए एक खास ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप 819 रुपए सिलेंडर को मात्र 119 रुपए में ले सकते हैं। मतलब आपको सीधा 700 का कैशबैक मिलेगा। आप पेटीएम से अपना LPG सिलेंडर बुक कर 700 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। देश के अधिकांश भागों में जहां LPG सिलेंडर सब्सिडी के बाद 819 रुपीस का मिल रहा था, ऐसे में पेटीएम के खास कैशबैक का फायदा उठाकर आप इसे मात्र 119 रुपीस में खरीद सकते हैं। 700 रुपए तक का ये कैशबैक पेटीएम ऐप के माध्यम से पहली बार LPG गैस सिलेंडर बुक करवाने वाले ग्राहक को ही मिल सकता है।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। आयोग की राय है कि व्हाट्सएप ने अपने शोषणकारी और बहिष्करण आचरण के माध्यम से अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसकी पूरी तरह विस्तृत जांच होनी चाहिए। CCI के महानिदेशक मामले की जांच करेंगे और 60 दिन के भीतर रिपोर्ट भी देंगे। आयोग ने कहा है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी और शर्तें ऐसी है कि उसे स्वीकार करो या फिर प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दो। कंपनी लोगों के व्यक्तिगत संवाद की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और पारदर्शिता को लेकर प्रतिबंध है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।